इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, ऐसे लपेट लिया बिल्कुल इन्होंने। तो जो कुछ भी कहा भाई ने, हम सब की तरफ से वही आपको, और सबसे ज्यादा आपको सर कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। ये जैसे इन्होंने कहा कि बाप की जो फीलिंग होती है वो सिर्फ बाप ही जान सकते हैं सर, एंड मैं भी बाप हूँ तो ये फीलिंग मैं भी जानता हूँ सर। तो बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, बोथ ऑफ यू ऑल आर लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही तरक्की करते जाओ एंड गॉड ब्लेस यू सर। ईशान, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि इस सॉन्ग की पहली रील मैं ही बनाऊंगा एंड इन अ वेरी रोमांटिक वे, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। तो इस पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई नो, आई मीन अभी दो बार काम कर रहे हैं, सो हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन वर्किंग विद देम एंड द एंटायर टीम? सो फर्स्ट गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड आई एम सो ग्लैड यू ऑल आर हियर। लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। ये सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत मेलोडियस है, सोलफुल है, और हमारी इंटायर टीम दे हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क एफर्ट्स, सो अमेजिंग है। लिरिक्स कंपोजिंग एवरीथिंग, आई एंजॉय अ लॉट एज अ को आर्टिस्ट, एज अ सिंगर ही इज अमेजिंग पर्सन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, ये सबसे पहले तो शुभम और अर्चना को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आज उनका एल्बम लॉन्च हुआ है एंड उसके डायरेक्टर जो है एल्बम के बादशाह भाई बजरंग भाई, इन्होंने बहुत ही रोमांटिक शूट किया है। वैसे लगते नहीं हो रोमांटिक शूट अच्छा किया है, लेकिन आपने बहुत अच्छा शूट किया है एंड बहुत ही प्रॉमिसिंग है दोनों। एंड ऊपर से शुभम की खुद की आवाज़ है, गाना लिखा भी उसी ने है, कंपोज भी उसी ने किया है और पिक्चराइज भी उस पर हुआ है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ देम। और उससे ज़्यादा अगर आपने अभी लॉन्च में देखा होगा तो उनके फादर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो आज फादर को भी हमारी तरफ से अरे यार आ गए हमारे शुभम जी द हीरो। बहुत अच्छा गाया है, मतलब दिल से गाया है बच्चे ने, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ शुभम को और उसके एल्बम को अच्छे से प्लीज़ प्रमोट कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। अर्चना, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू लुकिंग वेरी प्रीटी, गॉड ब्लेस यू बोथ। और अगला जो गाना बनाओगे तो उसमें मेरे को लेना, नहीं तो ये सब छापना नहीं। मेरे लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट आई वुड से, एंड जैसे अली सर ने बोला है, सो बिकॉज आई नो आई हैव वर्कड अ लॉट हार्ड, बट जब समवन लाइक लेजेंड लाइक सर, I have really seen your actings and all other lot of things, so बहुत blessed feel होता है, बहुत blessed feel होता है। And नहीं, और मैं अभी मुझे पता चला कि आपने architecture की है। Yes, I am an architect and from now, Sir JJ College of Architecture. Oh, oh, oh. And अब आप गाने के architecture बन गए हो ना, मतलब very good. अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ, पूरी टीम के साथ, सर के साथ, और आज जो भी यहाँ पे रिलीज़ हुआ सॉन्ग और आप लोग का रिस्पॉन्स, प्यार, लव, जो भी रहा, सर आए, अरबाज सर आए, सब लोग खेले, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। जो हमने मनाली में शूट किया, आई थिंक -14 degrees टेम्परेचर, -17 और उसमें, सो वी गेव ऑल एफर्ट्स, हार्ड वर्क फॉर देयर, सो बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। किस तरह का मूड है गाने का? गाने का मूड मेलोडियस है, बहुत सोलफुल है, बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही फ्रेश है, एकदम एक नया प्यार जो होता है वैसा कुछ फीलिंग है उसकी। ये बहुत अच्छी बात है सर, फ्रेश फ्रेश टैलेंट्स है एंड जो ये फर्स्ट वेंचर है आप दोनों का, सो यू नो गाने में भी और पूरे काम में इनोसेंस नजर आता है। सो या सो आई विश यू बोथ बेस्ट ऑफ लक। मैं
मिलियंस होते हैं ना, मिलियंस 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 हो, व्यूज हो आपके, एंड कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट. लोग ने सबने देखा गाना, बहुत खूबसूरत गाने हैं, दोनों गाने बहुत खूबसूरत हैं, बहुत वेल पिक्चराइज्ड हैं. एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द डायरेक्टर फॉर डूइंग अ ग्रेट जॉब. दीज ही इज वेरी गुड, शुभम इज गुड, अर्चना इज वेरी गुड, सो दे आर बोथ लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग. एंड द सॉन्ग, द सेकेंड सॉन्ग पर्टिकुलरली इज वेरी सोलफुल, इज वेरी मेलोडियस एंड वेरी इमोशनल, एंड आई कैन आई फील फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू वर्क. एंड वी हैव अ वेरी प्रॉमिसिंग singer and actor in our midst, and of course a very promising actress in our midst, so I wish them all the very best for the future. इनकी आवाज बड़ी अच्छी है, इन्होंने वैसे रियाज भी बहुत किया है, मैंने इनको लाइव भी सुना है, तो बहुत से आजकल के यंग जो सिंगर्स हैं वो मतलब ऑडियो में तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ दीज एड्स लाइक ऑटो ट्यून एंड ऑल, बट कभी लाइव से सुनो तो दे आर थोड़े ऑफ सोर होते हैं. बट इस लड़के ने, इज अ जनरली अ वेरी गुड सिंगर, यू कैन हेयर हिम लाइव ऑल्सो, इज वेरी इज गुड टू हेयर. एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड अगर इसको और प्रैक्टिस करो और प्रयास करते रहो ताकि आप और मंजे हुए हो जाओ, अच्छे हो जाओ, तो विच इज विलिंग टू डू एंड इज गोइंग टू डू एंड बिकम मच बेटर इन द फ्यूचर. सो नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग अ हिट. सो जब पब्लिक को कोई गाना हिट होता है तो फिर वो अपने आप आर्टिस्ट भी आगे बढ़ता है. तो अभी बस इनकी मेहनत तो है, अब इनकी किस्मत चमके तो और लोगों को पसंद करें तो ये आगे बढ़ेंगे. हाँ, तो दे आर वेरी नेचुरल, अभी इनके दे आर अर्ली डेज एंड दे विल ऑल्सो होन देयर स्किल्स एंड दे गेट बेटर. मतलब सब धीरे धीरे आगे चल के और इम्प्रूव होते हैं. अभी जो जैसे हैं वो दे आर वेरी गुड एट वॉट दे आर डूइंग, दे आर वेरी, इनके मतलब एक्सप्रेशन राइट हैं, इनका एक्टिंग स्किल्स अच्छे हैं, एंड आगे चल के इनको खुद अकॉर्डिंग टू द रोल्स ये अच्छे रोल्स में परफॉर्म करेंगे, किरदारों में अच्छा काम करेंगे. तो आई गेस आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. सर, आप इनको जी टिप्स बस मेहनत करो, डेडिकेटेड रहो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करते रहो, नई नई चीज़ें सीखो, और बाकी तो किस्मत पे और ऑडियंस पे छोड़ दो, बिकॉज उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, इलाज ही नहीं है बस. देखा गूगली सवाल टाइम है उसके लिए, पहले पहले ये अपना करियर बनाए, आराम से कर दे. तुम हो शुमार हर एक दुआ में, तुम हो शामिल हर एक. तो शुभम ने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा, बहुत रियाज किया, और कुछ अच्छा लगा मुझे. शुभम की वॉइस अच्छी लगी, दादा लेके आए भजन, दादा शुभम को जब इंट्रोड्यूस किया और शुभम की वॉइस सुनी तो कुछ सिंगल के लिए दादा ने बोला कि एक सिंगल करना है, तो मैंने उसका वॉइस स्ट्रक्चर सुना तो उस हिसाब से मैंने राइटिंग करी, और शुभम ने बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत ही अच्छा गाया, और वो अभी रिलीज़ हुआ है, आप लोग ने भी देखा. तो अब धीरे धीरे क्या रियाज होता रहेगा, सीखेगा तो धीरे धीरे बहुत अच्छा काम करेगा. अगर सब लोग ऐसे ही मौका देने लगेंगे, सब लोग अगर ऐसे चांस देंगे धीरे धीरे, तो मेरा मानना है कि इंशाल्लाह ज़रूर वो बहुत अच्छा सिंगर हो जाएगा, अच्छा गाएगा. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर हमारे बजरंग दादा हैं. मैंने तो डायरेक्शन किया है, लेकिन सब मेरे भाई की मेहनत है, क्योंकि एक न्यू सिंगर के ऊपर दाव खेलना और मेरे बोलने के ऊपर भाई ने अपना गाना दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. शब्बीर अहमद बोले तो एक नामचीन है, नाम है उनका इंडस्ट्रीज में, लेकिन मैंने इनसे कहा कि भाई बच्चा बहुत अच्छा गाता है, तो जब भाई ने सुना शुभम को, शुभम भाई ने जब शुभम को सुना, शुभम को जब सुना शुभम को जब भाई ने सुना तो बोले ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और शुभम ने भी पूरी मेहनत की, और ये मेरे भाई ने इनको चमका दिया. मैं तो कहूँगा कि पहला गाना लाइव का ज़िंदगी भर याद रहेगा, शब्बीर अहमद का सॉन्ग इन्होंने गाया है, ये लाइव भर याद रहेगा. आप लोग सुनना चाह रहे थे ना कि शुभम लाइव सुनाए, तो अब ये आपको खुद लाइव गा के सुनाएंगे. हर एक दुआ में शिकायत करूं क्या, शिकायत भी तुम हो,
हमेशा हूँ मैं जीत और हार तुम हो मुनाफा या नुकसान जो भी हो बहरहाल तुम ही हो बहरहाल तुम ही हो। बस अभी आप अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी आप लोगों के ऊपर मुनाफा हो गया नुकसान हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए अभी तो बहुत काम चल रहा है, लेकिन जब तक आए नहीं तब तक बोलना बेकार है। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, शुभम के साथ भी कुछ काम चल रहा है, बहुत सारे सिंगल्स पिक्चर, SLF के साथ भी कुछ जॉइंट वेंचर में कर रहा हूँ, सब लोग के साथ काम चल रहा है। बस उम्मीद है बहुत जल्दी आप लोग को सुनने। गाना मैंने देखा, बस बात ये थी कि गाने में जो बर्फीली वादियाँ थी उसमें इन्होंने पूरी गर्मी मचा रखी थी अपने मूव्स के साथ, अपनी सिंगिंग के साथ, और जो रोमांस था वो बहुत मेरी रील्स से ऊपर था रोमांस। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि जब मैं इस गाने पे रील्स बनाऊंगा तो मुझे एक लेवल अप जाना पड़ेगा आई थिंक, बिकॉज सॉन्ग इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, आपकी जो वॉइस इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, एंड द वे यू लुक इन द सॉन्ग इट्स सो गुड, यू आर लुकिंग डैशिंग एंड शी इज़ लुकिंग ऑल्सो वेरी गॉर्जियस। एक नहीं, एक साथ चार, राखी के साथ भी, फिर हर्षिक खान के साथ भी, और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ भी। जरूर, आई हैव सीन हिज रील्स अ लॉट एंड फर्स्ट टाइम मैं इन पर्सन आपको मिला हूं एंड आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू मींस अ लॉट, लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड आई वुड रियली से दैट सर आए हैं तो आज चार चांद लग गए ऐसा। अरे मींस अ लॉट, मींस अ लॉट। उन्होंने वो जो बात कही कि बर्फीली वादियों में जो गर्मी लगा दी, हां तो वो सॉन्ग का एक पर्सपेक्टिव था एंड मैं खुश हूँ कि समवेयर इट इज गोइंग आउट एंड विजनाइजिंग। सो आपके दिमाग में ये आया कहाँ से कि आपको ये बर्फीली वादियों में इतना रोमांस करना है? बिकॉज द सॉन्ग इज ऐसे है कि जो उसका कंसेप्ट है तुमसे प्यार है, सो टू शो द डेप्थ ऑफ लव कि व्हाट लव इज एंड उसका क्या पावर है, क्या डेप्थ है। सो इट्स लाइक हमने इस पे -17 में ये शूट हुआ है। -17 में मतलब इतनी गर्मी लगी है सोचो, तो वो गाने में जो पावर है, म्यूजिक में जो पावर है, दैट से इसकी लव में कितना पावर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट आप सॉन्ग गाओ और मैं भी उसमें आना चाहता हूँ, और गर्मी लगेगी डबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।